मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भारत से कनाडा जाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आते हैं या वो पर्सनली भी मिलने आते हैं, तो हमने अक्सर वो उनको शिकायत होती है कि हमारा कनाडा का स्टडी परमिट रिफ्यूजल हुआ है। क्यों हुआ है? देखो, इसके तीन मुख्य कारण है। नंबर एक, आप देखो, जब आपने कनाडा जाना है स्टडी के लिए तो गैप की प्रॉब्लम आती है, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर उस गैप को कवर अप करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का बोगस सर्टिफिकेट उसमें मत डालो। हमें उन्होंने बताया कि यहाँ के एजेंट 50-50 हज़ार या 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का बोगस सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। देखो, एजेंट का कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि एजेंट अपना नाम नहीं लिख रहा उसके अंदर। आपकी फाइल आपके नाम के ऊपर कनाडा में लगानी अलाउड है और लगती है, और आप लगा भी रहे हो। क्या होगा, पहले आप 2 साल वहां कनाडा में पढ़ाई करोगे, 3 साल वहां काम करोगे, फिर आप फाइल लगाओगे वहां पे पक्के होने की। उस टाइम पर वो सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। इस तो वो यदि उस यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि ये बोगस सर्टिफिकेट है, मैंने जारी ही नहीं किया, तो आपको वहां कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा, और घर वापस भी आना पड़ेगा, इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा, तो सजा आपने भुगतनी होगी। 5 साल बाद तो एजेंट भी भाग चुका होगा, तब तक भी उसका बंद हो चुका होगा। सो ऐसी गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। नंबर टू, यदि आपका दूसरी बार या तीसरी बार स्टडी परमिट रिफ्यूज हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस स्टेट में बिल्कुल मत जाइए जहां से आपने पहली बार अप्लाई किया था। देखो, इस साल लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट विदेशों से कनाडा जाना का प्रपोजल है। होता क्या है कि जो दो प्रोविंस है कनाडा की, जिसको ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो कहते हैं, इसके अंदर आप अप्लाई करोगे, वहां 15 देशों के लोग स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपको सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि ना तो आपके पास इंग्लिश के अच्छे बैंड होंगे, ना ही आपकी परसेंटेज अच्छी सिक्योर होगी, प्लस उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो भी देखी जाती है। सो आपको इन दोनों स्टेटों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। नंबर थ्री, जो आप कोर्स कनाडा में ले रहे हो और जो कोर्स आपने पहले पढ़ाई इंडिया में की है, उनकी सब्जेक्ट की रिलीवेंसी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, देखो कनाडा की, देखो इंडिया से जो एजेंट है ना, एजेंट का काम नहीं कर रहे हैं, वो तो मिल्क कलेक्शन सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। मीन्स आप अपने घर के पास जो इमिग्रेशन कंसर्न बोर्ड है, आप उसके पास पहुंच जाते हो, उसको ना तो जानकारी है कनाडा के बारे में, ना कभी वो कनाडा गया है, तो वो आपको उठाकर आपका नंबर सीधे चंडीगढ़ में मेन एजेंट को दे देता है, और उसने अपना सेफिशिएंट देखना होता है कि कनाडा में जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसने वहाँ भेज देना है। उसने ठेका लिया हुआ है आगे कि मैं 1 साल के अंदर कितने स्टूडेंट दूंगा, उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलता है। 1 स्टूडेंट के पीछे 1 लाख रुपया कनाडा की यूनिवर्सिटी और कॉलेज उनको देते हैं। इसलिए मैं आप सबको सावधान करता हूँ कि आप कनाडा में इन 2 स्टेटों में जहाँ के कमरे का किराया, नौकरी में शॉर्टेज और नए मकान की कीमत लगभग 4 गुना हो चुकी है, आप कोशिश करो इन दोनों स्टेटों को छोड़कर और किसी स्टेट में ट्राई करो। इसके अलावा आप देखते होंगे, जब कनाडा में आप पढ़ाई करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर जाओगे, फिर आपको वहाँ के पक्के होने की फाइल लगानी पड़ती है। यदि आपकी संस्था DLI एंड PGWP अप्रूव्ड है, तो ही आप वहाँ पक्के होने की फाइल लगा सकते हो। और कुछ स्टेटों में फाइल 18 महीने बाद लगती है, कुछ में 24 महीने बाद, और कुछ में ऐसा प्रोविजन है कि आप हर साल अपना एक नया रिश्तेदार भारत से कनाडा बुला सकते हो। आपको ये सभी प्रोस एंड कॉन्स, लाभ और हानियों का मालूम कर लेना चाहिए। हमारे ऑफिस से आपको फ्री में जानकारी दी जाती है, मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM। पीछे दिए गए फ़ोन नंबरों के ऊपर आप हमारे से संपर्क कर सकते हो।
आप हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने यारों दोस्तों सहेलियों रिश्तेदारों भाई बहनों से शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।